कई राज्यों को तोहफा आदेश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 3 रेल प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने को मंजूरी दी गई। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये खबरें हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए, बहुत ट्रैवल स्पीडीली कर रहा है। और ऑब्वियसली एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि जिसकी जो अचीवमेंट्स वो आगे करना चाहते हैं, जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये सब जो है ये करना ही पड़ता है और वो कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत आगे है, ठीक है, लेकिन वो जो आपने वीडियो दिखाई है उस लिहाज से इंडिया हमसे काफ़ी तरक्की कर चुका है। हम आज भी बाइक्स पे घूम रहे हैं, हमारी छोटी छोटी कच्चे मकान हैं, लेकिन वो देखो बिल्डिंग्स कहाँ पे चली गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते होगी, वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर कोई चीज़ रोजगार दे सकती है तो वो है मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हो, बड़े बड़े कंपनीज अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करें जिससे लाखों की मात्रा में लोगों को रोजगार मिले। और इसी के लिए दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 12 से ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियल हब और सिटीज़ डेवलप किए जाएंगे जिसमें लाखों लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिटीज़ चाइना के अंदर है, दूसरे नंबर पे भारत के अंदर, और भारत की आबादी चाइना को क्रॉस कर चुकी है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए अगर इतनी बड़ी भारतीय जनसंख्या को रोज़गार चाहिए तो हमें चाइना के बराबर इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप करने पड़ेंगे। तो इसीलिए भारत सरकार ने 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करने का प्लान बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज़ भी रेडी है, खास करके जापान की कंपनीज़ हैं और रिलायंस और अडानी जी की कंपनीज़ हैं। सो मिला जुला के कंपनीज़ तैयार हैं, बस सरकार को सिटी डेवलप करनी है। सिटी सरकार ने डिजाइन कर दी है 12, पाकिस्तान देख के इसको जल रहा है। तो ये भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ बना रहे हैं और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते होगी, वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो ये होता है कि आप तमाम बिजनेस को इकट्ठे कर लेते हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग आके कारोबार करना चाहें। इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आएँ वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़ रुपया है जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रीवैम करना है, ये है। देखें हमने चाइना से क्या हुआ, देखें चाइना से हमने कारोबार शुरू किया, चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, हमने सारा एक तो हमने सीपैक और चाइना को इतना बेचा ओनरशिप उठी पै गई, चीनी भी नाराज, ऊपर से बलोच मिलिटेंट्स को मौका मिल गया और हमारे दुश्मनों को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अच्छा बलोचिस्तान उठने लगा है, ग्वादर उठेगा, डीप स्टेट उठेगी, उसने कहा करो लॉन्च, दाएं बाएं से पैसा दिया, वहां पे महरूमियां पहले थी बलोचिस्तान के अंदर बलोचों की, जो कोई बड़ी जेन्युइन चीज है, हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वहां पे महरूमियां पहले भी थी जिसको हमने एक टॉप डाउन अप्रोच के जरिए ऊपर से हम इस्लामाबाद फैसला करेगा बलोचिस्तान में क्या होना है,
मतलब जमाना गुजर गया है। खैर एनी हो, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक सिर्फ इंडिया के हवाले से है कि ये जो इंडस्ट्रियल जो जो जिसे कहेंगे ना सिटीज बन रहे हैं, और आप देखें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। जो मैं चीज़ चाहता हूँ, जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कि जब आप इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए हैं, पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए थे इस तरह के, लेकिन वो नाकाम इसलिए हो गए कि हमने हर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पोलिटिकल एंगल में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया भी करता है, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी पोलिटिकल कंपेन या 2024 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन एक तो इंडिया में वो जो इन्वेस्टमेंट है बड़े डाइवर्सिफाइड आ रही है, साउथ में भी आ रही है, नॉर्थ में भी आ रही है, सेंटर में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, वो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा आ रही है। सो उनकी वो चीजें उस तरह पोलिटिसाइज नहीं होती जैसे हमारी हैं। फिर हमारे पॉलिटिकल भी मसले हैं, हमें इमरान खान की शक्ल नहीं अच्छी लगती, हमने बाहर फेंक दिया, नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती, बाहर फेंक दिया, वो भी हमारे मसले हैं, वो एक इंटरनल एक जंग है जो कि पिछले 70,000 साल से हमारी चल रही है और वो अगले 2,000 2,70,000 साल चलती रहनी है। इंडस्ट्रियल सिटीज की क्या पहले उसके पर बात कर लें। देखिए जो स्मार्ट सिटीज, 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है, उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया, और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का वो तो चेंज होगा ही होगा जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे, तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज, वहां पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा ही जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी, तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। और ये उनकी एक ऐसा कंट्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, तो वहां पर रोजगार, जॉब्स का जो होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा मसला होता है कि उसको हल करना। और इसके लिए इससे पहले भी उन्होंने जो बजट में कई स्टेप्स ऐसे लिए जो कि हमने आप तक पहुंचाई भी वो खबरें, और उसमें भी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि ये जो बेरोजगारी है इसको खत्म करने का सबसे बड़ा क्या किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं उनके कंट्री में सबसे बड़ा मसला ये होता है, तो भारत में भी ये मसला है। और उस मसले को हल करने के लिए उन्होंने 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी थ्रू इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट सिटीज जो कि बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बारे में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी है, तो अराउंड 1.52 लाख करोड़, यानी लाखों करोड़ से तो कम में वो बात ही नहीं करते भारत वाले, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हजारों करोड़ और लाखों करोड़। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतने लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़ एक अंदाजा लगाया गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बनाने खड़े होते हैं बनता है तो फिर उसकी वो आगे निकल सकता है। तो इतने लाख करोड़ वो अपने 12 सिटीज पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जो जब बन जाएंगे तो उससे कहीं 100 गुना ज्यादा लाखों करोड़ वो कमाएंगे, इसलिए बना रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसका देख लिया जाता है पहले कि उसका क्या आपको सिला मिलने वाला है, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसके अंदर इट वुड बी डायरेक्टली क्रिएट 30 लाख, अच्छा 30 लाख न्यू जॉब्स कही जा रही है। भाई मैंने आपको कहा था कि ये 10 लाख है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 30 लाख न्यू जॉब्स अब इसके अंदर ये आया है। ऑब्वियसली अपडेट हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर जो पहले मैंने पढ़ा वो 10 लाख था, लेकिन आप कह रहे हैं कि 30 लाख, 30 लाख जॉब्स जो हैं वो निकाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये एक तो आ रही है, और फिर जो कि मिनिस्टर ने कहा ये कि इनडायरेक्टली, अच्छा दोस्तों 12 सिटी है, इसको उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि जो बेरोजगारी की दर है उत्तर भारत में ज़्यादा है। साउथ इंडिया में भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाई जाएंगी, साउथ इंडिया में भी अच्छी खासी मात्रा में ये सिटीज़ डेवलप की जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट भारत में ही होगा, GDP भारत का ही बढ़ेगा, रोजगार भारत के लोगों को ही मिलेगा, ये इंडस्ट्रियल हब कहीं भी लगे। ठीक है, बताया जा रहा है कि गुजरात में जो मेगा सिटीज़ हैं, जैसे जो चिप कंपनीज है, फॉक्सकॉन हो गई, ठीक है, और भी चिप कंपनीज हो गई जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं, ये गुजरात में लगेंगे, और एक जो है सेमीकंडक्टर चिप जो है महाराष्ट्र में भी लगेंगे। जो कंपनीज लगेंगी अधिकतर वो IT से जुड़ी हुई कंपनीज होंगी, फ्यूचरिस्टिक रोबोट के पार्ट्स बनाने वाले, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज होंगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की GDP आने वाले समय में कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली है। अभी अगर हम बात करें तो भारत के पास 76 के आसपास मेगा, या आप कह लो सिटीज़ हैं जहाँ पे लार्ज स्केल में फैक्ट्रीज हैं, 76 सिटीज़ ही ऐसी हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इन सबको मिला लें तो ऐसे 76 ही हैं, उत्तर भारत, साउथ भारत, हर जगह मिला 12 और जुड़ जाएंगी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कई करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के।
तो भारत की इससे जीडीपी में बहुत सकारात्मक योगदान होगा और इसी के साथ साथ भारत की इन्वेस्टमेंट लेने की जो कैपेसिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज करती हैं वो सोचती हैं यार कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, पूरा दिल्ली भर गया, पूरा मुंबई भर गया, तो ऐसे में अगर सरकार 12 नए सिटीज़ लाएगी तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी और मिलेगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।